जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास। आप देख सकते हैं आपसे एक सवाल डाला गया है 5, 8, 11, 14 और 16 यानी कि 16th टर्म क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, प्योर बेसिक क्वेश्चन हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो सीरीज इस तरीके से दी हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं। तो प्योर बेसिक्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा पहले बच्चों और इसे कवर करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है जिसमें आपका क्वेश्चन ये है कि 5, 8, 11, 14, 17 का 16वां पद जो है वो ज्ञात करना है यानी कि फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है पर इसके प्योर बेसिक की तरफ चलते हैं पहले। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर मैंने बॉक्सेस के रूप में आपको कुछ बॉक्सेस दिए हैं और रो और कॉलम्स में ये बहुत से लगाए हुए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एक बॉक्स यहां पर है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, बहुत से बॉक्सेस हैं और वो लगाए हुए हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि पहला बॉक्स यहाँ पर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, इसी प्रकार से यहाँ पर और हमें नहीं मालूम कि अब कितने बॉक्सेस हैं। और हम जस्ट इमेजिन लेकर चलता हूँ इस क्वेश्चन की तरह कि ये 16 नंबर जो बॉक्स है वो यहाँ पर है, यानी कि इसकी 16 नंबर क्या है, टर्म है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सीक्वेंस, ठीक है, वो क्या है, हमारी टर्म है। क्या है, टर्म है। तो इस टर्म के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो है वो बनते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, एक आगे आपके पास 5 है, एक में 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है। अब बोला है 16th नंबर पर ये जो नंबर है वो क्या है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। 16 नंबर पर जो डिजिट है वो क्या आएगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, an is equal to a plus n minus 1 into d। an का क्या मतलब होता है, an यानी कि ये जहां पे निकालना है वो an है, जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और a जो स्टार्टिंग में आए यानी कि फर्स्ट टर्म, किसको बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और n जो है वो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, देखिए a क्या होता है, तो a यानी कि ये यहां पर जो फर्स्ट टर्म में जो वैल्यू आती है वो a होता है। a की वैल्यू क्या हुई आपकी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर d कैसे निकालेंगे, मैं बोलूंगा बेटा d कैसे निकालते हैं, पिछली टर्म को अगली से माइनस करना है। और एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो डिफरेंसेस हैं हर बार इक्वल आना जरूरी है, ये ना हो कि इक्वल ना, जैसे 8 - 5 कितने हुए, ठीक है। फिर से एक और माइनस करो, 11 - 8 3, देख रहे हैं आप, 14 - 11 3, ये इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो यानी कि वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनेगा पहले बच्चों, ठीक है। तो देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, हर बार डिफरेंस आ रहा है सेम, एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंस हर बार क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है 16वां पद ज्ञात करें, यानी कि ये जो 16th नंबर टर्म है वो निकालना है,
तो n की वैल्यू यानी कि क्या होगी 16। तो a 16 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 5 ये हो गए, 15 ये हो गए, 3 ग्यारह, 5 15 थी ये 45 और 5 50, यानी कि यहां पर क्या कौन सा डिजिट आएगा प्यारे बच्चों, 50 आएगा, कौन सा डिजिट आएगा 50 डिजिट आएगा, 50 आएगा, और 50 जब होगा तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी, वो 16th नंबर की टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी, 60 नंबर की टर्म होगी। इसी के साथ इन्होंने n पद यानी कि आगे के पद का को n नाम दे दिया, वो निकालिए, n के केस में आपने n को n ही रहने देना है, क्या है n के केस में n को n ही रहने देना है, ठीक है। अब ये देखिए n माइनस 1, d की वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा 5, 3n माइनस 3, तो क्या हो गया 3n प्लस 2, तो ये n की फॉर्म में हमारी इक्वेशन निकल गई। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको अब सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, देखिए समांतर श्रेणी है 4, 9, 14, 19 में से कौन सा पद 109 में, कौन सा पद जो है वो 109 है, ठीक है। अब हम 109 है पद मतलब इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्वेश्चन को पहचानो, मैं जैसे जैसे आपको बोलूंगा क्वेश्चन को पहचानना है प्यारे बच्चों। 4 दिया है, 9 दिया है, 14 दिए हैं, 19 दिए हैं, इसी प्रकार से ये बहुत सारे हैं, तो बताओ कि 109 कब होगा, ये चीज जगह पूछी, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4 और ये चीज पूछी है, यानी कि पूछा क्या है, n पूछा है, क्या पूछा है, n पूछा है, तो गिवन क्या है, an है, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, a की पहले वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछली को इससे माइनस, तो 9 - 4 देखो 5, आपने बार बार नहीं करना माइनस, मैं सिर्फ जस्ट बता रहा हूं आपको, आपने एक बार दो को जज कर लो कि हाँ सीक्वेंस इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, और देख सकते हैं आप सीक्वेंस हर बार क्या आएगी, इक्वली आ रहे हैं ना सभी पांच पांच, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, मगर आपको क्वेश्चन आया है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से है, ठीक है, क्योंकि तो हमें पहले ये तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें पता लग जाएगा ये हमारा सीरीज चैप्टर का है, ठीक है, जो कि हम रीजनिंग में पढ़ते हैं या मैथ्स में भी पढ़ते हैं रीजनिंग, मगर सीरीज में ज्यादा करते हैं, तो वहां पर फिर हम उनकी ट्रिक्स को लगाएंगे या उस मेथड को यूज करेंगे, नहीं तो इस चैप्टर को यूज करेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n की वैल्यू निकालनी है, और an की वैल्यू गिवन है 109, an का फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू 109, a की वैल्यू पुट कर दो कितनी आएगी 4, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5, 109, 4 दूसरी साइड ले जाओ फिर माइनस कर दो कितने हो गए बेटा 105, ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू 105 बटा 5 कितना हो गया बेटा 21, n इक्वल टू यानी कि 22वें नंबर का पद होगा, तब ये जो वैल्यू है 100 क्या होगी 9 होगी, कितनी होगी 109 होगी, इसका सही आंसर 22 रहेगा, ये इसका हल होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन से होगा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, फिर से करते हैं एक और करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, समांतर श्रेणी है 7, 13, 19, 25 और 205,
मैं कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स। इन्होंने सीधा बताया टर्म निकालनी है। टर्म कौन होती है, सीरीज होती है। सीरीज कौन सी, जैसे कि देखो फिर से समझाता हूं, 7, 13, 19, 25 और बहुत सारी टर्म है, और बोला है जो लास्ट टर्म है वो 205 है। अब टर्म निकाले, पद याद करिए, टर्म निकालने यानी कि एन, ये चीज पूछी गई। और ये क्या होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4 आगे ऐसे 5, 6, 7 कितने भी आगे तक जा सकते हैं। आपसे पूछा है एन बताओ कि कब 205 होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हुई, 7। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पिछली को अगली से माइनस कर, कितना हो गया बच्चा, 6। एक और करके देख लो, इसको भी करके देख लो, सबका 6-6 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप बिल्कुल सही होंगे। और यहां पर ए एन की वैल्यू कितनी दी है, 205। ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 205। ए की वैल्यू 7, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या होगी, 6, 205। 7 दूसरी साइड ले जाओ, 205 में से 7 लेस कर लो, 205 में से 7 लेस कर लो, कितने रह जाएंगे, 198। ठीक है जी, n माइनस वन 6 से भाग कर लो, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 33 हो गया, वन इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 33 जमा आए, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 34। यानी कि 34 में यानी कि टर्म होगी, तब ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, 205। तो आंसर कितना आ गया, 34। 34 इज द आंसर, जो कि 205 है वो 34 नंबर पर आएंगे, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ। अगला सवाल है, एक समांतर श्रेणी है का छठा पद 12 है, आठवां पद 22 है, उसका प्रथम पद सार्वंतर तथा 16वां पद ज्ञात करें। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 12, यानी कि सिक्स्थ टर्म यानी कि ए सिक्स जो है वो 12 के इक्वल है, ठीक है। एट्थ टर्म इज 22, यानी कि ए 8 जो है वो 22 है। तो आप फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू बताएं, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बताएं, 16 टर्म ए 16 भी बताएं, ये सब कुछ पूछ लेते हैं हमारे हिमाचल पुलिस और पटवारी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस। और मैक्सिमम ये देखे गए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। और प्लस मैं आपको बताऊं तो पंचायत सहायक और पटवारी और सेक्रेटरियों के जो पेपर होते हैं उनमें भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है लर्नर, तो इसलिए आज ही इसको एक बार सुनो और साथ साथ में क्वेश्चंस को कर लें। ए सिक्स है, कैसे करेंगे, ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, ए प्लस 5d इक्वल टू 12। ये तो समझ आ गया होगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वैल्यूज को कम कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी a प्लस 8 माइनस 1 n माइनस 1 है ना, तो a प्लस 7d इक्वल टू 20। अब आपने क्या करना है बताओ, अब आपने a और d की वैल्यू यहां से निकालनी है, जो कि आपका एलिमिनेशन मेथड रहेगा, ठीक है। a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू 22, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लीजिए,
कितना रह गया माइनस टू डी इक्वल टू माइनस ए ही टेन आ जाएंगे। टू से माइनस से क्या तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा फाइव, डी की वैल्यू कितनी आ गई फाइव। अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पांच को तो मैं इसमें कर देता हूं फटाफट, तो पांच जमा सात डी इक्वल टू बाईस, तो सेवन डी इक्वल टू बाईस में से पांच माइनस कर लो तो d की वैल्यू क्या होगी, अच्छा a की है, d की जगह कर देते हमने a में ही पुट कर दी, d की वैल्यू निकाली है ना हमने a में, तो d की जगह पुट करेंगे a की जगह नहीं करेंगे, a की जगह क्या आएगा a ही आएगा, a तो निकालना है सात गुना पांच, ठीक है जी, a इज इक्वल टू 22 माइनस 35, तो a इज इक्वल टू माइनस के कितने हो जाएंगे 13, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी माइनस 13, d की वैल्यू हमने निकाल ली 5। अब आप हमें क्या निकालना है 16th टर्म, तो a 16 का फॉर्मूला लगाए a प्लस 16 माइनस 1 इनटू d, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए माइनस 13, 15 d की वैल्यू 5, माइनस 13 प्लस 75, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 62, आपकी 16th टर्म क्या रहेगी 62 रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समांतर श्रेणी दी गई है 5 9 13 17 के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात करें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, अब यहां पर आपसे उनका योग पूछ लिया है, योग समझ के ना जितने जितने सीरीज थी उनका बोला सम करके बताओ कि हल क्या होगा, तो कहेंगे क्या देखिए a की वैल्यू निकालो मैंने 5, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं माइनस करके भैया है ना, तो कितनी आ गई 4। अब आपसे पूछा है s17, तो लाड लो, अब क्वेश्चन में क्या करना है आपको फॉर्मूला अप्लाई कौन सा है n by 2, सम का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं Sn का, n by 2 2a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है, एक और भी होता है n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो लास्ट है वो आपका an है, जो मैं जिसको an बता रहा हूं, ठीक है, तो आप लास्ट टर्म ये भी मान सकते हो, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं, n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, तो n हमारा रह गया 17 over 2, a की वैल्यू आ गई 5, n minus 1 d की वैल्यू कितनी रहेगी 4, 17 बटा 2 इसका 10 आ गया, 4 n माइनस 4 आ गए, 17 बटा 2 इससे बच गए 6 जमा 4 n, 2 कॉमन ले लो, टू है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया आपका बच्चा 17 ब्रैकेट 3 प्लस 2 है, जो कि आपकी 17 पदों का योग रहेगा। मगर अब आप बोलोगे सर आप क्या करना है, मैं बोलूंगा आप कुछ नहीं करना है, n की जगह वैल्यू पुट कर दो, n हमने दिया है ना, क्योंकि मैंने यहां पर भी 17 भरा है, यहां पर नहीं भरा वो मेरे अपनी मर्जी से नहीं भरा, आप भी भर सकते हैं एडवांस में भी, 17 3 जमा
दो और सत्रह, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, सत्रह ये हो गया, तीन ये हो गया, सतारह दूनी चौतीस, सतारह ये हो गया तीन सैतीस, और सतारह को अब सैतीस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सतारह को सैतीस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 629, कितना हो गया 629। एक बार फिर भी करके देख लो, सतारह और ये सैतीस, छह सौ उनतीस, बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से जो है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी से ही काम आपको करना है और इन प्रश्नों को लगाना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, चलते चलते देखिए इसमें, देखिए पांच दो पांच आठ ग्यारह और 182 कुल का योग बताओ, यानी कि यहां से यहां तक के डिजिट्स का सम पूछ लिया है। सम मतलब SN होता है इसमें भी। अब SN है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कैसे मैं क्या समझा रहा हूं फिर से समझो, यानी कि दो दिया है, पांच आठ ग्यारह ऐसे, और 182। अब आपको बोला इन सबका पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये पता नहीं कौन से नंबर की है, मगर हमने नंबर से नहीं, नंबर नहीं पूछा, ये नहीं पूछा है नंबर की कौन सा आएगा, मगर इन सभी डिजिट का सम कितना होगा यहां तक की और विद सीरीज से, ठीक है। तो कितना लंबा हो जाता है क्वेश्चन, तो हमने क्या है SN का फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो बच्चा कैसे रहेगी, ठीक है, कैसे रहेगा ये क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि n अगर हमारे पास होगा तो ही हम यहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें वैल्यू नहीं पुट होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो, मैं उनको फर्स्ट टर्म मेरे पास है, लास्ट टर्म भी मेरे पास है, मगर मेरे पास n की वैल्यू नहीं है, तो n की वैल्यू कैसे आएगी, वो यहां से आएगी, an की वैल्यू 182 ही है, लास्ट टर्म जो होती है वो यही होती है, an बोल लो या l बोल लो, a की बात है, तो a plus n minus 1 into d equal to 182, a की वैल्यू यहां पर आ गई 2, पता है आपको a जो होता है वो 2 है, d जो है 5 minus 2 यानी कि 3 होगा, D की वैल्यू कितनी हो गई 3, 182, तो n माइनस 1 3, 2 साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 180, n माइनस 1 3 से डिवाइड कर दो, 180 ओवर 3, 3 6 18 60, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61 हो जाएगी, जो कि आप यहां पर पुट कर देंगे, आया समझ, ठीक है। अब कैसे होगा 61 ओवर 2 और 184, 2 9 जा 18, 2 जा 4, तो 61 और 92 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5612 मल्टीप्लाई कर, तो ये इन सब का डिजिट्स का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, सम हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है फिर आपको तो आइडिया लग रहा होगा कि इस प्रकार से सम के क्वेश्चन जब आएंगे किस प्रकार से करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर को भी लेकर आएंगे इसी क्लास के लिए, और आप इसको परफेक्ट करिएगा, तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, और नए लेक्चर में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।